वीरपुर में दो भाई रहते थे, बालू और मालू। बालू और उसका परिवार बहुत गरीब थे, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। एक बार बालू की बेटी भूख से परेशान थी, लेकिन बालू के पास खाना लाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। पापा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटे, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। बालू ने वादा तो कर दिया, पर उसकी जेब खाली थी। उफ, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है, मुझे कहीं ना कहीं से खाना लाना ही पड़ेगा। मेरे भाई मालू से मदद मांगनी पड़ेगी। मालू के पास सभी साधन थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। रहने को घर, पहनने को कपड़े, गाड़ी और सब कुछ जो किसी अमीर इंसान के पास होता है। पर मालू दिल से फकीर था, वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। मेरे भाई मालू, मेरी बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बस थोड़ा सा उधार दे दो, मैं दो एक दिन में ही चुका दूंगा। बालू, तू अच्छा हुआ तू आ गया, मैं भी कई दिन से तुझसे बात करने का ही सोच रहा था। भाई चौक में एक दुकान मिल रही है, मैं खरीद रहा हूँ, बस थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर तुम मिला दो तो थोड़े बात बन जाए, दोनों भाई मिलके कुछ कमा लेंगे। मालू, तुमने शायद सुना नहीं, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है, मेरे पास उसके लिए रोटी लाने को भी पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। बालू, वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, मैं आज तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अब खुद ही पैसे की जुगाड़ में लगा हुआ हूँ। ठीक है मालू, मिलते हैं, मुझे और कुछ इंतजाम करना होगा, जंगल में जाता हूँ, शायद कहीं कोई फल लगे मिल जाए तो तोड़ लाऊंगा, लाली भूखी है। उदास बालू जंगल में गया, पर पतझड़ के मौसम में कहीं फल मिलना मुश्किल था। बालू सर पकड़ के बैठ गया। हे भगवान, रास्ता दिखा, जल्दी ही कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा, मैं क्या करूं? वही पास से एक महात्मा गुजर रहे थे। तुम बहुत उदास हो भाई, क्या हुआ? मुनिवर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे और बीवी भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, तुम थोड़ा काम करो, लो ये दो सामान तुम उठाओ और मेरे साथ चलो। जी महाराज, क्या मेरे परिवार की भूख मिटाने के लिए कुछ दे सकेंगे मुझे? अवश्य, हमेशा हमेशा के लिए, आओ मेरे साथ। बालू, सामान को यहां रखो और इस संदूक को खोलो, इसमें एक चक्की रखी है, वो तुम्हारे लिए। महाराज, ये तो चक्की है, मुझे तो अनाज की आवश्यकता है, सिर्फ चक्की से क्या होगा? बालू, मेरे एक मित्र थे पंडित आदित्यनाथ, ये चक्की उनकी ही है, उनको अब इसकी जरूरत नहीं है, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है, इसमें जो चाहे वो निकाल सकते हैं, खाने का सामान या कुछ और भी, बस सामान का नाम लो और चक्की चलाओ, सामान बाहर निकलता चला जाएगा, इतना कि अब कभी तुम और तुम्हारा परिवार भूखा नहीं सोएगा। हाँ, और एक बात याद रखना, ये जो लाल कपड़ा है ना चक्की के ऊपर, वो उसको रोकने के लिए डालना होगा, वरना चक्की नहीं रुकेगी कभी। महाराज की जय हो, मैं जाता हूँ जल्दी, मेरी बच्ची इंतजार कर रही होगी।
पापा आ गए, उनके हाथ में कुछ है, जरूर कुछ खाने का होगा। और आज मेरी प्यारी बेटी क्या खाएगी? दाल, रोटी और चावल भी मिलेगा क्या? है ना, जो भी तुम्हारे मन में है वो मिलेगा। बैठो और देखो। चक्की ओ चक्की, कर दे कमाल, लाली खाएगी चावल रोटी और दाल। वाह पापा, खाना आ रहा है। चक्की ओ चक्की, बस कर दे माल, ये डाला तुझ पे लाल रुमाल। ऐसी दाल तो मैंने कभी नहीं खाई, बहुत स्वाद है, तुम भी खाओ ना। चक्की ने बालू का जीवन ही बदल दिया। अब उसने एक मिठाई की दुकान भी खोल ली और वो सभी की मदद करता। उसकी दुकान से कोई भूखा नहीं जाता था, वहां हर तरह की मिठाई थी। कौन बनाता था? हाँ, चक्की। फिर एक दिन दुकान से मालू गुजर रहा था। अरे बालू, तू मिठाई की दुकान में काम कर रहा है? अच्छा, मिठाई बनाता है या गल्ला संभालता है? मेरे भाई मालू, आओ, ये मेरी ही दुकान है, किराए पे ली है, यहाँ सारा काम मैं ही करता हूँ। अरे तुझे पता है, यही दुकान तो थी जिसको मैं खरीदने वाला था। थोड़े से पैसे कम पड़ गए, एक बड़े सेठ ने इसको खरीद लिया। इतनी सारी मिठाइयां है यहाँ पे, तुमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना? बहुत चक्की चलानी पड़ती है भैया, आओ बताता हूँ। हाँ, तेरे पास जादू की चक्की है, कुछ भी दे सकती है। वाह भाई वाह। हाँ भैया, जब से ये है हम लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। चक्की ओ चक्की, तू आज क्या लाई, गुलाब जामुन और रस मलाई? तो ये जादू है चक्की का, अद्भुत। इस नालायक को इतना सब मिल रहा है, दुनिया की हर अच्छी चीज तो बस मेरे पास होनी चाहिए, मैं ये इससे ले लूंगा। ये रही चक्की। और ये आज से मेरी हुई, मेरी प्यारी चक्की। हाँ, थक गया, चलो अब थोड़ा पेट पूजा हो जाए। चक्की ओ चक्की, तू प्यारी है कितनी, चल दे दे मुझे समोसा और चटनी। अरे बस बस चक्की बस, ये तो रुक ही नहीं रही है, कोई रोको इसे। चक्की रुक जा, नहीं मेरा तो पूरा घर भरा जा रहा है समोसे से, मर गया। बालू बालू, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तेरी चक्की चुराई थी, पर अब मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ, मुझे इसको बंद करना नहीं आता। क्या तुमने मेरे ही यहाँ चोरी की भाई? तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी, मुझसे मांग लिया होता। मेरा घर समोसों से भरा जा रहा है, चल ना मेरे भाई, बचा ले मुझको। चलो
चक्की ओ चक्की बस कर दे माल, ये डाला तुझ पे लाल रुमाल। मालू तुम ऐसा करोगे सोचा ना था, मैं अपनी चक्की ले जा रहा हूँ, ये समोसे तुम रख सकते हो। समोसा ले लो समोसा। तो बच्चों इस कहानी से हमने ये सीखा कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।